बट इस वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर से बताऊंगा हम कितने लोग गोवा जा रहे हैं, कौन से रूट से जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा। बहुत तबाही वाली राइडिंग होने वाली है। क्या है ना, हर एक राइडर के दो सपने होते हैं, कहां घुसेगा, दबा अंदर, ये मत बोलो थैंक यू से काम होगा चलेगा। मतलब ये देखिए, इस रूट ट्रिप पे हम तबाही मचाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, हे कुराल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबीआर व्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि भाई मेरा गोप्रो जो है वो घूम चुका था। सच्ची बताऊं, नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। बहुत दुख है उस चीज का, बट उस दुख को लेके मैं भाई अब बैठ नहीं सकता, क्योंकि अभी इतनी बड़ी ट्रिप करने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ अच्छे से जाऊँ, अच्छे से आऊँ। भाई क्या बताऊँ, सांसें फूल रही है, क्योंकि इतनी खुशी है ना, इतनी खुशी है। मैं आज भी जस्ट अभी उठा हूँ और देखो 2:30 बज रहे भाई, थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, आज दिन की शुरुआत थोड़ी देर पहले हुई है। बट भाई फिर भी है ना, मैं उठते ही यही सोच रहा हूँ कैसे जाऊँगा, कैसे आऊँगा। आज है 3 तारीख, आज मुझे बहुत सारे काम कराने थे, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है। मैंने अभी तक पैकिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, बट उससे पहले और एक ज़रूरी काम आ गया मेरे, सिनेमाटोग्राफी का भाई। तो आज मैं सिनेमाटोग्राफी करने जाऊँगा, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी रहूँगा। बट इस वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा हम कितने लोग गोवा जा रहे हैं, कौन से रूट से जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत तबाही वाली राइडिंग होने वाली है, बहुत अमेजिंग वाली राइड होने वाली है। बट आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अपने हेलमेट पे कुछ काम कराने वाला हूँ। हेलमेट में मुझे अपना रैप कराना है, एक अमेजिंग से रैप कराने का सोच रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे आज ये वाइजर सारी चीज़ें खोलनी पड़ेगी, ताकि मैं इसको रैप कराऊँ। ये सारी चीज़ें भी कराएंगे, अगर आज पॉसिबल हुआ तो आज कराएंगे, नहीं तो कल सुबह कराएंगे। और जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, उस दिन शाम को एक मीटअप प्लान कराया मैंने CSB में। तो भाई जिसको भी आना हो ना, प्लीज आना, जरूर से आना भाई, क्योंकि ये मीटअप, ये राइड बस एक चीज के लिए है, राइड फॉर फ्रीडम, नॉट फॉर फेम। अब इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि भाई आजकल जितने भी राइडर्स हैं ना, वो राइडर्स कैसे बनते हैं, कैसे मुझे राइडर बनना है, मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फेम चाहिए, ऐसे। पहले राइडर्स ऐसे नहीं बनते थे भाई, पहले राइडर्स पैदा होते थे फ्रस्ट्रेटेड होगी कि नहीं यार मेरी लाइफ बहुत सिंपल सी है, मुझे एक दिन एंजॉय करना है, मेरे लिए एंजॉय करना है। पहले ऐसा होता था कि भाई मुझे ट्रैवल करना है, मैं अपनी लाइफ से बस मुझे ट्रैवल करके अपने लाइफ को और खुश करना है ना। पर आजकल राइडर लोग कैसे बनते हैं कि भाई मुझे फेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, बस इसलिए बनते हैं। मैं नहीं चाहता वो चीज़ें हो, मैं चाहता हूँ भाई अब जितने भी राइडर्स बने वो राइड फॉर फ्रीडम बने, नॉट फॉर फेम। तो ये जो मैं राइड कर रहा हूँ, ये जो मैं गोवा राइड कर रहा हूँ, उसमें मेरा एक ही मोटो रहेगा, मैं एक ही मोटो गोवा लेके जाऊंगा, राइड फॉर फ्रीडम, नॉट फॉर फेम। तो ये सारी चीजें भी मुझे मेरे बाइक पे लिखवानी है, मेरे बैग पे लिखवानी है, ये सारी चीजें मैं आजकल में कस्टमाइज करा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। बट उससे पहले आज अपनी एक सिनेमाटोग्राफी की लास्ट साइट है अब दिसंबर की, इसको कंप्लीट करके आते हैं, क्योंकि भाई हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे बहुत पैसे लग जाएंगे, और पैसे लगेंगे तो पैसे कमाने पड़ेंगे, तो कमाना तो इसी से ही है ना ब्रो। तो भाई यहाँ पे ये चल रहा है, पापा भी आज छुट्टी करके बैठे, कौन जीतेगा देखने के लिए। बाकी मैं अपने अभी कपड़े निकालता हूँ यार, जो मुझे पैक करने हैं। भाई मैंने अपने सारे लाइनर्स भी निकाल दिए हैं कि कभी बारिश वारिश हो जाए तो वो भी काम आ जाए। बाकी आज के सारे काम निपटा के मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल से बताऊंगा कि आज कैसे शाम को मीटअप होगा भाई ब्यावर में। आज ही होगा मीटअप है ना, जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तब मीटअप कैसे होगा, हम कितने लोग गोवा के लिए जा रहे हैं, हम कौन सा रूट ले रहे हैं, हम आपसे कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें। बाकी आज का मौसम देखो कितना सुहाना सा हो रहा है, बट हाँ थोड़ी थोड़ी रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है। कल राइड पे ये बारिश नहीं होनी चाहिए, फिर क्या है ना, राइड तो कर सकते हैं पर कंटेंट नहीं बना सकते ना भैया, कंटेंट तो जरूरी है। और यार मैं आजकल के हर राइडर की तरह ये चीज नहीं करूंगा, गाड़ी 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 गाड़ी, मैं जहाँ जा रहा हूँ उस जगह के बारे में भी आपको चीजें बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा, गाड़ियों के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि भाई गाड़ियां तो प्यार है अपना, बट जहां जा रहे हैं ना उसके बारे में भी डिटेल से सारी चीजें बताएंगे। तो भाई मैं अपनी सिनेमाटोग्राफी वाली साइट्स के लिए निकल चुका हूँ, आज थोड़ा बहुत काम है भाई, ये निपटा के ना बिल्कुल मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर अपना जो राइड से रिलेटेड सारा काम है ना ये करूंगा भाई, बस एक बार इससे फ्री हो जाऊं, आगे चलते हैं भाई फटाफट से। बारिश की बूंदे लगी हुई है यार। बाकी आपको एक्साइटमेंट हो रही कि नहीं हो रही मुझे जरूर बताना। क्या है ना, हर एक राइडर के दो सपने होते हैं, पहला सपना होता है कि लेह लद्दाख सर्किट करना है, और दूसरा सपना होता है कि IBW जाना है भाई। तो जब मैं भी राइडर बना था आज से 3 साल पहले कि नहीं मुझे राइडिंग इंडस्ट्री में घुसना है, मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना, तब पहला सबसे पहला सपना मेरा यही था लेह लद्दाख जाना, लेह लद्दाख पूरा हो चुका है। दूसरा सपना था कि IBW जाऊंगा यार,
पिछले दो साल से हो रहा है, पिछले दो साल से सोच रहा हूँ कि नहीं IBW, इस बार जा रहा हूँ मैं IBW भाई, तो खुशी है, अलग सी खुशी है। मतलब भाई जिन जिनको नहीं पता ना, मैं उन सभी को बता दूँ, इंडियन बाइक वीक में होता क्या है कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बाइक्स आती है, लोग आते हैं, स्टंट टहराना होता है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, तो एक तरह से कह लो कि बाइकर्स का इवेंट है, एक तरह से कह लो कि बाइकर्स का फेस्टिवल है। भाई कहाँ घुसेगा तू, कहाँ घुसेगा, कहाँ घुसेगा, दबा अंदर, आला जबरदस्ती। कहाँ कहाँ, अपने रोड पे रहो ना भैया। आले भाई देखो रोड कितनी सी है, इतनी सी रोड है ठीक है, उसमें भी ये ओवरटेक कर रहा है और मेरे सामने आ रहा है, जी देगा मुझसे सारा मजाक। ओहो भाई आप तो फटाके फूट रहे यार। ओहो ये आपको दिख नहीं रहे होंगे दे, पर ये देखो जिनकी पार्टी जीती है ना भाई, शायद तक से वो फटाके छोड़ रहे होंगे, पूरा रास्ता ही जाम कर रखा है। इधर से ले लेता हूँ, वहाँ पे देखो क्या चल रहा है भाई। तो भाई मैं अपने सिनेमेटोग्राफी वाली साइड्स पे पहुंच चुका हूँ, अब यहाँ से काम करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो व्लॉग कर नहीं सकता, आप दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते, या तो व्लॉग होगा या सिनेमेटोग्राफी होगी, तो अभी सिनेमेटोग्राफी होगी। तो भाई ये थोड़ा बहुत काम था जो निपटा चुका हूँ मैं, अब यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं और मैं आया हूँ अपने भाई ग्रूमिंग कराने के लिए, काम को जो सिनेमेटिक का काम था वो सारा निपटा दिया, उसके बाद अब कल मेरे पास टाइम बचेगा नहीं इन सब चीज़ों के लिए, तो ये सारी चीज़ें आज ही करा दे रहा हूँ कि आज ही सेट हो जाता हूँ, क्योंकि कल और भी बहुत सारे काम है। जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन एक मीटअप भी तो प्लान करा है शाम को। राधे राधे भैया, सॉरी आपको वेट कराया। भैया देखो ऐसे तो पट्टी है नहीं, कोई देखती है नहीं, थोड़ा सेट कर देना, गोवा में जाके कोई लेडी बाइकर ही देख ले। आप में से कोई हो जो देख रहा है मैं अच्छा लग रहा हूँ तो कमेंट कर देना भाई, भैया को थैंक यू बोल देना। फटाफट से ये काम निपटाते और फिर घर चलते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है मनीष भैया, धन्यवाद। ये थैंक यू से काम चलेगा। बाकी व्लॉग जरूर देखना, गोवा के मस्ती मारने जा रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट करना। क्या कर रहे हैं भैया? तो फाइनली जो ग्रूमिंग का काम था वो भी हो चुका है पूरा, और अभी टाइम देखो 9:30 बज चुके हैं। अब यहाँ से चलते सीधा घर और मैं आपको सारी प्लानिंग बताता हूँ कि मीटअप कैसे होगा, हम लोग कितने लोग जा रहे हैं, कौन कौन सी बाइक जा रही है, कौन सा रूट ले रहे हैं, घर जाके सारी चीज़ें बताऊँगा। रुकना, वेट करना इस वीडियो पर, ठीक है, क्योंकि बहुत अमेजिंग चीज़ होने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब क्या बताओ भाई, अगर आप बाइकों के नाम सुन लोगे ना, हम इस बाइक पर जा रहे हैं तो भाई आप फिदा हो जाओगे, और हम जो रूट ले रहे हैं वो भी बहुत सेक्सी रूट होने वाला है, मज़ा आएगा भाई। घर जाके सारा प्लान बताता हूँ आपको। तो भाई अभी बज रहे रात के 1 और अभी जस्ट एक कप चाय ख़त्म करके आज के दिन को ख़त्म करा है, क्योंकि आज का दिन जो था वो बहुत टायरिंग डे था और बहुत सारे काम थे, बट अभी भी बहुत मेन काम बचे हैं, जैसे कि सारे पैकिंग करना, राइडिंग गियर्स को असेंबल करना, सारी चीज़ें अभी फैली हुई पड़ी, इन सबको समेटना है। बट अब मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि हम कहाँ जाने वाले, वो आप सभी को पता है कि हम जा रहे हैं गोवा वैगेटोर IBW इंडियन बाइक वीक। अब हम जा कौन कौन रहे, अब हम 6 जने जा रहे हैं, जिसमें से मैं हूँ, पन्ना सर है, और जयपुर से उनके 4 राइडर फ्रेंड्स और हैं। अब तीसरी बात है कि कौन कौन सी बाइक्स जा रही है, सबसे पहले तो अपनी जोंटेस AKA बगीरा जा रही है, फिर दूसरी KTM 390 एडवेंचर जा रही है, तीसरी बूसा जा रही है, 2 BMW 1250 जा रही है, 2 BMW 1250 और एक S1000 RR। मतलब ये देख लो, इस रोड ट्रिप पे हम तबाही मचाने वाले हैं। और हम जाते टाइम रूट कौन सा ले रहे हैं, हम जाते टाइम रूट ले रहे हैं उदयपुर अहमदाबाद मुंबई वाला, तो ऐसा मस्त रूट है, आराम से जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, बट ये फाइनल प्लान है हमारा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है करना है क्या, एक छोटा सा लाइक शेयर कमेंट। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट मीटअप पे, बाय बाय। एंड हाँ, जो भी अभी ये सुबह ब्लॉग 10 बजे देख रहे हैं ना, शाम को ब्यावर में चाय सुट्टा बार में मीटअप है, आना जरूर, ओके okay?